नमस्कार, मैं हूं अंकिता मौर्य और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के चपेट में आ चुकी है और हम बोल इंडिया न्यूज चाहते हैं और सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि कृपया लॉकडाउन का आप सभी लोग पालन जरूर करें और अब अपने घरों पर ही रहे, क्योंकि जान है तो जहां है। देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिए। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार कर बैठा हुआ है। दुखद खबर यह है कि महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में आज फिर 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए, जैसा कि कल 17 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे। अब नागपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 49 यानी 49 हो चुकी है। आज पाए गए 5 कोरोना पॉजिटिव नागपुर के आमदार निवास में रखे गए हैं। इनका मरकज से सीधा संबंध बताया जा रहा है और ये 5 लोग जबलपुर के रहने वाले और साथ ही नागपुर के सतंजीपुरा, मोमिनपुरा, हंसापुरी और गिट्टी खदान व अन्य क्षेत्रों को सील भी किया गया। और साथ ही विश्व की सबसे छोटी लड़की यानी छोटी आमले ने जनता से क्या अपील की, आप सुनो। हेलो, मैं छोटी आमले आप सभी को ये निवेदन करती हूँ कि सब लोग घर पे रहे और हमारे नागपुर पुलिस को सपोर्ट करें और आज मैं भी उनका सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं तो इतने दिनों के बाद, मतलब जब से कोरोना वायरस हुआ है उसके बाद से अब भी बाहर निकली हूँ। मुझे ये सब देख के बहुत आश्चर्य हो रहा कि आप लोग घर के बाहर कैसे निकल रहे हो, लेकिन ये भी करना चाहती हूँ हमारे नागपुर पुलिस या पूरे जितने भी वर्ल्ड के बोलो या पूरे महाराष्ट्र में जो भी पुलिस है, मिलिट्री है, इन लोगों का हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनके भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो अपने फैमिली को छोड़कर हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि हमारा इस हमारे देश में इतना बड़ा वायरस बढ़ रहा है और आप लोग वो सपोर्ट छोड़ के उनके सपोर्ट करने के बजाय घर पे बाहर घूम रहे हो, अपने जॉब के लिए जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने पूरे भी पैसे नहीं कमाए कि हम लोग घर पे बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इनके लिए सपोर्ट करते हैं पुलिस, नागपुर पुलिस को सपोर्ट करते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इनके लिए इतनी हेल्प करके आ रही हूँ, कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।